गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वील स्टडी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू अवर बॉडी कीप इन्फ्लुएंसिंग अवर बॉडी इन मेनी वेज. विदाउट अ रिस्पॉन्स एट अ प्रॉपर इंस्टेंट दिस मे अफेक्ट अवर बॉडी एडवर्सली. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिन भर में हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी जो है ब्रेन को देते रहती है और जिसका असर हमारी बॉडी पे यानी शरीर पे होता है. यदि कोई एक्शन को आप तुरंत रिस्पॉन्स जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं लेते हो तो उसका असर भी आपकी बॉडी पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेन अवर हैंड टचेस अ हॉट यूटेंसिल इट इंस्टेंटली मूव्स अवे फ्रॉम इट. जैसे ही हम एकदम से अचानक से गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है. द स्टिमुलस ऑफ हीट पासिस टू अवर हैंड थ्रू द सेल दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द स्टिमुलस. आपका हाथ जो है वो उस हीट से कॉन्टैक्ट में है और आपके हाथ के जो सेल्स हैं वो उस हीट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. दे आर देन कैरिड फॉरवर्ड बाय नर्व्स कॉल्ड एज सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फर्दर टू द ब्रेन. आपके हाथों के सेल्स जो है वो गर्माहट का इंफॉर्मेशन नर्व्स को देते हैं. नर्व्स के थ्रू दैट नर्व्स वी कॉल्ड सेंसरी नर्व्स, जो उसको सेंस करती है गर्माहट को, क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, डिटेक्ट करती है और उसको ले जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन तक. अ रिस्पॉन्स इज इफेक्टेड अगेंस्ट द स्टिमुलस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन थ्रू नर्व्स कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. और जो ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, ले जाते हैं. कैसे जा रहा है इंफॉर्मेशन, आपके हाथों के सेल जिसके जो गर्माहट को डिटेक्ट कर रहे हैं वो नर्व्स, उस नर्व्स को बोलते हैं सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स इस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा फिर ब्रेन. इस तरह से ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, ब्रेन तक पहुंचती है. अ रिस्पॉन्स इज इफेक्टेड अगेंस्ट द स्टिमुलस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन थ्रू नर्व्स कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन. अ रिस्पॉन्स इज इफेक्टेड अगेंस्ट द स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट आपको क्या एक्शन लेना है, हाथ को हटाना है. ये रिस्पॉन्स आपके ब्रेन के थ्रू स्पाइनल द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपको पहुंचता है और इसको बोलते हैं जो नर्व्स वो मैसेज लाती है उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो कि आपको बताती है आप हाथ हटाइए. दिस इन्फ्लुएंस द मसल ऑफ अवर आर्म्स इन सच अ वे दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑकर इवेंचुअली लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ अवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल. और जब हमें इंफॉर्मेशन आती है कि आप हाथ हटाइए तो हम हाथ हटाते हैं. दैट टाइम मसल्स ऑफ अवर आर्म, हाथ का मूवमेंट होगा तो आर्म्स के मसल क्या हो जाएंगे, उनका भी मूवमेंट होगा. दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और उसी की वजह से आप वहाँ से हाथ हटा पाओगे. मीन्स इसमें कितने कितने ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व है और कैसे कैसे मैसेज जा रहा है, इस चीज़ को आपको समझना है. बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, हाथ के सेल्स नर्व्स को इन्फॉर्म करते हैं दैट नर्व्स कॉल्ड सेंसरी नर्व्स हो जाते हैं मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन के मैसेज आ जाते हैं या फिर ब्रेन तक जाता है नर्व्स के द्वारा, उसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स. दिस इन्फ्लुएंस द मसल्स ऑफ अवर आर्म इन सच अ वे दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑकर इवेंचुअली लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ अवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल. और हमें मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से आप हाथ हटाइए, तो हाथ जब हम मुँह उससे वहाँ उस चीज़ से हटा रहे हैं यानी दूर कर रहे हैं, दैट टाइम हमारे हाथ की मूवमेंट होती है. इसमें इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ अवर आर्म्स. The complete circuit from sensing a stimulus to effecting a response is called reflex action. और ये जो complete process हुआ, कौन सा process? The complete circuit from sensing a stimulus to effective response is called reflex action. ये जो circuit complete हो रहा है जहाँ से stimulus से वो brain तक जाके फिर उसका वापस में
आपको क्या आता है, मैसेज आता है हाथ हटाने का, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एक्शंस ऑकरिंग इनवॉलेंटरीली, मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शंस दैट इज एक्शंस ऑकरिंग इनवॉलेंटरीली आर इफेक्टेड बाई स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसी जो एक्शंस होती है जैसे कि गर्म चीज़ को हाथ लगने से हाथ का तुरंत वहाँ से क्या होना है, हटना है, या हाथ को आप वहाँ से हटाते हो, ये कैसी है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। मैं बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, तेज रोशनी आँख पर आने से आईलिड्स जो है बंद हो जाते हैं, आप अपनी आँखों को बंद कर देते हो, ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और ये सारे जो मैसेज है, आँख को बंद करना है, हाथ को हटाना है, ऐसे बहुत सारे जो एक्शंस इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है उनका मैसेज है ना डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही आ जाता है। वो कभी कभी नर्व्स ब्रेन तक मैसेज देना जब पहुंचता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही उसको क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन ऑकरिंग इनवॉलेंटरीली आर इफेक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट वुड हैव हैपन इन द गिवन एग्जांपल इफ देयर वाज नो रिस्पांस। यदि आपके ब्रेन ने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया है, स्पाइनल कॉर्ड से कोई रिस्पांस नहीं आता, तो आपका हाथ वहां से उठता ही नहीं और आपका हाथ जल जाता। इफ अ यूटेंसिल इज हॉट यू यूज इट केयरफुली, डू यू थिंक यूअर ब्रेन हैज एनी रोल इन डूइंग सो। यदि गर्म बर्तन आपको उठाना है तो आप केयरफुली उठाओगे, और नहीं उठाते हो तो आपके ब्रेन का इसमें कोई रोल है ऐसे आपको लग रहा है, डू यू थिंक सो। नाउ इफ वी कंसिडर व्हाट वी हैड डन इन दिस एक्टिविटी, वी शैल फाइंड दैट वी हैड बीन एबल टू होल्ड द स्टिक क्विकली इफ वी गॉट इंटीमेशन अबाउट इट्स फॉल थ्रू अवर ईयर एंड वी कुड ऑब्जर्व द स्टिक विथ अवर आईज। जो पहली एक्टिविटी थी जिस स्टिक को होल्ड करना है, उसमें क्या हुआ, होल्ड द स्टिक क्विकली, जैसे ही आपके फ्रेंड ने ऊपर से स्टिक छोड़ी है तो आप उसको तुरंत क्या करोगे, पकड़ोगे, और उसका इंफॉर्मेशन वो बताएगा, मतलब वो जो मैसेज दे रहा है वो आप अपने कान से सुनोगे और आँख से उस स्टिक को क्या करोगे, देख पकड़ोगे, आँख से उसको डिटेक्ट करोगे, हाथ से पकड़ोगे, क्लियर। सो अ रिस्पॉन्स वॉज इफेक्टेड बाई मसल मूवमेंट्स अगेंस्ट द स्टिमुलस टू होल्ड अ फॉलिंग स्टिक। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे हुआ, मसल मूवमेंट, आपका हाथ का मूवमेंट हुआ तभी तो आप उसको पकड़ पाओगे, अगेंस्ट द स्टिमुलस टू होल्ड अ फॉलिंग स्टिक, जो गिरती हुई लकड़ी को आप पकड़ रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो, इसका असर किसके ऊपर हुआ, आपके हाथ के मसल मूवमेंट पर। और यहाँ पे तालमेल किसके किस किस ऑर्गन्स में था, आई में था, ईयर में था और हैंड में था। यदि आप उसको नहीं सुनते थे, खाली देखते रहते थे, तो आप उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते थे, या फिर आप उसको देखते नहीं है, खाली अपने फ्रेंड का मैसेज सुनते कि मैं स्टिक को छोड़ रहा हूँ, तो आप उसको पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ था, सिर्फ ईयर पे फोकस किया हुआ था, सामने आप और ही कुछ देख रहे थे, तो उस स्टिक को आप होल्ड नहीं कर पाते थे। मतलब जब इन तीन ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन होगा तभी ही वो वर्क कैसे होगा, आपको वो कंप्लीट होगा ऐसे हम बोल सकते हैं, और यू कैन होल्ड द स्टिक क्विकली। थिंक एंड स्टेट विच अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी वी आर इन्वॉल्व इन द एक्शन। इसके अलावा हमारी बॉडी के कौन से पार्ट थे जो इसमें इस एक्शन में इन्वॉल्व थे। इफ वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ कैचिंग द स्केल स्कीमेटिकली इट कुड बी एज इन द फिगर। वो स्केल का एग्जाम्पल जो एक्टिविटी हमने पहले ही पढ़ी है, इंफॉर्मेशन थ्रू ईयर, आपके फ्रेंड ने इंफॉर्मेशन दिया, वो क्या हो गया, सेंसरी नर्व्स के थ्रू डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचा, ठीक।
ब्रेन से मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उसको एक्शन लेने के लिए बोला, तो मोटर नर्व्स वो कहाँ पहुँचा, मैसेज मोटर नर्व्स के द्वारा वो पहुँचा आपके मसल्स ऑफ हैंड, क्योंकि आप हाथ से पकड़ोगे। मोटर नर्व्स ने मैसेज ब्रेन ने और स्पाइनल कॉर्ड दो वे से वो आपके मसल्स ऑफ हैंड तक मैसेज पहुँचा। इसके अलावा जो आपने आँखों से देखा है वो भी आपके आँखों के नर्व्स ने सेंस किया और वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज दिया स्टिक गिर रही है। आपके कानों ने जो सुना कि स्टिक वो छोड़ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भी सेंसरी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुँची। इस तरह से दो पाथवे इसमें बने, सेंसरी नर्व्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचा ब्रेन को, वो दो सेंसरी नर्व्स के थ्रू पहुँचा, ईयर और आइस के थ्रू। जब आपको स्टिक होल्ड करने का मैसेज आया तो वो मैसेज डायरेक्ट ब्रेन से भी आया और ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को दिया और वहाँ से मोटर नर्व्स के थ्रू भी आपको मैसेज मिला आपके मसल्स ऑफ हैंड को कि आप अपना हैंड क्या करो, उठाओ और उसको ठीक से पकड़ो। ये चीज़ हुआ। यहाँ पे क्या था, आपके आई ईयर और हैंड तीनों में क्या था, कोऑर्डिनेशन था। क्लियर। इस तरह से और कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस के आप एग्जांपल लिखोगे विद स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। वन क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन आवर फिंगर्स आर प्रिक सडनली, व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। जब हमारे फिंगर को कोई चुभ देता है, यानी आप एग्जांपल मैं दूंगी हाथ, जब आप इंजेक्शन लेते हो, अभी तो वो चीज़ कॉमन नहीं रहा, फिर भी जब इंजेक्शंस देते हैं तब हमारी मसल्स में क्या होता है, पेन होता है। ये चीज़ तो शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा। तो उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, आपके आर्म्स, उसके अलावा वहाँ से सेंसरी नर्व्स का मैसेज कहाँ गया, डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, फिर ब्रेन ने मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को और डायरेक्ट आपके आर्म्स को। ठीक, उसको दबा के रखो। आप डॉक्टर बोलते हैं ना, आपने वहाँ पे इंजेक्शन देने के बाद वो एक स्पिरिट का आपको कॉटन बॉल देते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको अच्छे से दबा के रखो ताकि खून बाहर ना आए, राइट ना। तो ये चीज़ है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप इसी तरह से निकालोगे, इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गन कौन सी ऑर्गन ने दिया, यहाँ पे ईयर्स है, आईज है, वैसे वहाँ पे आईज तो रहेगी, और कौन सा था, आप इसका डायग्राम बनाओगे और मुझे उसका पिक सेंड करोगे। क्लियर। कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हार्मोन्स। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवेज थ्रू अ सिस्टम ऑफ नर्व्स, देयर आर अदर पाथवेज ऑफ कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन इन आवर बॉडी। देयर आर सर्टन ऑर्गन्स वेयर सम केमिकल आर प्रोड्यूस दैट रीच डिफरेंट लोकेशंस ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। दीज केमिकल्स आर मेनली प्रोटीन्स एंड आर कॉल्ड हार्मोन्स, अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन दैट मीन्स इफेक्टिंग मोशन। अभी हमने देखा कि ये सारे पाथवेज थे, इलेक्ट्रोकेमिकल पाथवेज थे, जिससे हमें क्या मिलता था, सिग्नल मिलता था, इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को मिलता था। बट इसके अलावा भी हमारी बॉडी में ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जिनमें सब केमिकल्स रहते हैं, उन केमिकल्स के द्वारा हमारी ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और ये जो केमिकल्स है ये जनरली प्रोटीन्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ये ग्रीक ओरिजिन मतलब ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है इफेक्टिंग मोशन। हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्मोन क्या है, एजेंट है, एक मीडिएटर है। क्या करता है ये, हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स के बीच में तालमेल बिठाने का काम कौन करता है, ये हार्मोन। सम एग्जांपल्स आर गिवन, अदर देन सर्टन केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई अवर पैनक्रियाज।
हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा, उसमें देखा कि बहुत सारे केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम्स के द्वारा, वो हमारा खाना क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसमें फूड डाइजेशन होता है। तो इसमें जो केमिकल इन्वॉल्व होता है उसका नाम है इंसुलिन, ये एक हार्मोन है, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा पैनक्रियास। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन अवर बॉडी फेल्स टू यूज शुगर, जितनी भी वो डाइजेशन में आपकी शुगर प्रोड्यूस हुई है उसका यूटिलाइजेशन हम कर नहीं सकते यदि हमारी बॉडी में क्या नहीं है, इंसुलिन नहीं है। Thus the kidneys pass sugar present in blood into the urine. Sugar जो blood में present होती है वो kidney के द्वारा कहाँ जाती है, urine में। We are said to be affected by diabetes when we have sugar in urine and more sugar in blood than normal. अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो sugar खाना खाने के बाद produce हुई है उसका utilization नहीं हुआ। उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये जो हार्मोन है इंसुलिन, या तो ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या फिर टोटल उसका वर्क स्टॉप हो गया है। तो इसकी वजह से जो शुगर प्रोड्यूस हो गया वो डायरेक्ट कहाँ आया, किडनी में, मतलब किडनी के बाद यूरिन और ब्लड में आ गया। इसीलिए जब शुगर के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें शुगर आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि इनको डायबिटीज़ हो गया है। एक्चुअली डायबिटीज़ जो बीमारी है ये किसकी वजह से होती है कि इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर वर्क नहीं करने से, ना कि शुगर खाने से होती है। नॉर्मल वुड रैंडम मेजर बिटवीन 80-200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड सैंपल, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये वैल्यू कितनी होती है, 80-200 रैंडम मेजर। वो बोलते हैं ना खाना खाने के पहले टेस्ट करो, खाना खाने के बाद करो, या कभी भी आप अचानक से जाके उसको टेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं रैंडम। अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज ऑल्सो फैटल फॉर द बॉडी, यदि इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में है तो वो भी हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है। से इफ अ पेशेंट इज गिवन हाई डोज ऑफ इंसुलिन, अब क्या हो गया कि डायबिटीज पेशेंट के इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं और उसका डोज यदि ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, द किडनीज रिमूव ऑल शुगर अवेलेबल इन ब्लड, जितनी भी शुगर आपके ब्लड में है वो किडनी उसको रिमूव करेगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीडिंग टू डेथ ऑफ शुगर फॉर सेल इवन इन आवर ब्रेन, और जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में भी जो शुगर का ज़रूरत है वो भी सारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अचानक से, और वो इंसान ऐसी केस में सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इंसुलिन इज इसेंशियल फॉर ईच सेल ऑफ आवर बॉडी, ये इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी में क्या है, ज़रूरी है हार्मोन। इंसुलिन जो है ये क्या करता है, शुगर को यूटिलाइज कर रहा है, तो हर सेल के लिए शुगर ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंसुलिन रीचेज द सेल, दस इट प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन द पैनक्रियाज, इट इज़ रिलीज एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। जितनी मात्रा में सेल को इंसुलिन की ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही वो क्या होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, और कहाँ होता है ये, पैनक्रियाज में। इट इज़ रिलीज एंड ट्रांसपोर्टेड, और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इंसुलिन का, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है, तो नर्वस सिस्टम का। देयर इज अ gland called parathyroid in our neck region that produce a hormone that is mainly responsible for maintaining level of calcium in the blood. Parathyroid gland is shown in the diagram. हमारी नेक में, गर्दन में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये हार्मोन क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल, या बॉडी में बोलने से ज़्यादा बोलूँगी कि ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड,
जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। अ लो अमाउंट ऑफ द हार्मोन लीड्स टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। अब ये हार्मोन यदि क्या कर रहा है, लो है, मतलब वो क्या करेगा, ये हार्मोन की कमी है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, लीडिंग टू ऑड मस्कुलर क्रैम्प, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको मस्कुलर पेन स्टार्ट होगा। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है तो मस्कुलर क्रैम्प होता है, मसल पेन होता है। पर है बोन्स टेक अप कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, बट बोन्स जो है वो अपनी कैल्शियम की कमी ब्लड से पूरी करते हैं। अ हाई लेवल ऑफ हार्मोन लीड टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, बोन स्टार्ट सॉफ्टनिंग एज कैल्शियम पासिस इन टू द ब्लड फ्रॉम देम। और यदि कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए फिर से एक डेंजर जोन हो सकता है, क्योंकि हमारे बोन उसमें सॉफ्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से बोन उसको एब्सॉर्ब करते हैं और फिर वो धीरे धीरे हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती है, सॉफ्ट होती है, कमज़ोर होती है। बोथ कंडीशन आर फैटल फॉर द बॉडी, और ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। डज नर्वस सिस्टम हैव एनी रोल इन द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड, क्या हमारे नर्वस सिस्टम का इसमें कोई रोल है, जो एक हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, डेफिनेटली है। सारे जो इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी में जाते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, मे बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ऑल द एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाई अवर ब्रेन। अनदर ग्लैंड कॉल्ड थायरॉयड प्रोड्यूसेस हार्मोन थायरोक्सिन। थायराइड नाम का एक क्या है, ग्लैंड हमारी बॉडी में है जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, विच रेजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रेट क्या करता है, बढ़ाता है। विदाउट दिस हार्मोन रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नेग्लिजिबल। इफ द लेवल ऑफ दिस हार्मोन इज लेस इन ब्लड अ पर्सन बिकम फैट एंड स्लगिश। थायराइड जो है एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, और ये ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या है, ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन करना है, ऑक्सीडेशन इन अवर बॉडी। यदि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा तो ऐसी केस में वो इंसान क्या दिखेगा आपको, सुस्त लगेगा और फैट लगेगा। अ हाई लेवल ऑफ हार्मोन लीड्स टू लॉस ऑफ वेट एज द पर्सन बिकम थिन एंड हाइपर एक्टिव। और यदि ये थायरोक्सिन हार्मोन इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय उस पर्सन का वेट बहुत तेज़ी से घटता है, वो दुबला हो जाता है और हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आएंगे और वो पर्सन फाइनली क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। When due to cancer or other complication this organ is removed, the person is administered a fixed required amount of dose of the hormone daily. यदि कोई दूसरी बीमारी की वजह से इस organ को, thyroid gland को आपकी body में से निकाल देते हैं operate करके, तो आपको रोज एक fixed required amount का dose क्या है, हार्मोन का, कौन से, थायरोक्सिन हार्मोन का लेना ज़रूरी हो जाता है। इफ़ इट इज़ गिवन एट अ हायर डोज देन डेली रिक्वायरमेंट, ऑक्सीडेशन रेट एस्केलेट्स लीडिंग टू हाई ऑक्सीजन डिमांड एंड पर्सन बिकम इल। यदि वो डोज गलती से आपने डबल ले लिया या ज़्यादा ले लिया तो आपकी बॉडी का ऑक्सीडेशन डिमांड बढ़ जाएगा और पर्सन फिर से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इफ़ अ नॉर्मल रिक्वायर्ड डोज वॉज गिवन टू अ पर्सन विथ नॉर्मली फंक्शनिंग थायरॉयड देन द ऑर्गन वुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग द हार्मोन एज लॉन्ग एज द लेवल ऑफ द हार्मोन एडमिनिस्टर्ड एक्सटर्नली रिमेन नॉर्मल इन ब्लड। और जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है उतना ही डोज यदि आप उसका लेते हो तो आपके फंक्शंस बॉडी के कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि वो उतना
ब्लड में एब्सॉर्ब होता है जितनी रिक्वायरमेंट है, और बाकी सारे जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होंगे। एड्रेनल प्रेजेंट अबाउ आर किडनी प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड्स आर देयर, ऑब्जर्व दिस फिगर, सो मेनी ग्लैंड्स आर शोन हियर, ही सी इट इज थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस आर द ग्लैंड्स शोन, एंड दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, देन ओवरीज एंड टेस्टिस। एड्रेनल प्रेजेंट अबाउ किडनी आर किडनी प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, कहाँ प्रेजेंट है, अबाउ किडनी, दे आर वेल नोन इन प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट इफेक्ट एक्शंस रिलेटेड टू रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सडन फियर और एम्बेरसमेंट, अचानक से डर लग जाना या आपको उस समय जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनी के ऊपर। अ पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड हेल्प इन कंट्रोलिंग लेवल ऑफ सॉल्ट इन अवर बॉडी, यह एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साल्ट यानी नमक का लेवल मेंटेन होता है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ दिस ग्लैंड, ये जो हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है वो उस एड्रेनल ग्लैंड के आउटर लेयर से होता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन अ पर्सन मे बी केप्ट अलाइव बाय फीडिंग हर विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ साल्ट पर डे, अदरवाइज इट वुड बी फैटल फॉर द इंडिविजुअल, यदि ये हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो गया तो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट का साल्ट नमक आपको रोज डोज डॉक्टर देते हैं, और आप उतना डोज यदि नहीं लेते हो तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सॉल्ट की कमी हो जाएगी, नमक की कमी बॉडी में हो जाएगी। हार्मोन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, इसके अलावा मेल और फीमेल में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में फीमेल्स में और मेल्स टेस्टीज इन मेल्स, that bring about various changes during adolescence. Adolescence किशोरावस्था में ये changes आपको देखने को मिलते हैं, development of beard, change of voice, boys में generally क्या होता है, दाढ़ी मूछाना है, फिर उसके बाद आवाज़ अचानक से बदल जाना है, in male development of mammary gland, और girls में mammary gland का develop होना या menstruation start होना। हार्मोन फ्रॉम दिस ग्लैंड इज रिलीज इन मैच्योर इंडिविजुअल एज वेल एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल एग्स इन फीमेल एंड स्पर्म्स इन मेल, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज एग्स इन फीमेल एंड स्पर्म्स इन मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अनदर हार्मोन रिलीज इन फीमेल कॉल्ड एज प्रोजेस्ट्रॉन एड्स इन प्रेगनेंसी एंड मेंसुरेशन, और इसके अलावा हार्मोन एक हमारी बॉडी में मतलब फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, जो हमें मदद करता है प्रेगनेंसी और मेंसुरेशन के समय, पीरियड्स के दरमियान और प्रेगनेंसी के समय। सो मेनी ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे, यू रिवाइज इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी, बट फॉर दैट यू हैव टू रीड दिस पोर्शन। Thank you.